हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए शेजवान पनीर सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स सिखा देती हूँ। मैंने दो सैंडविच के हिसाब से देखिए चार ब्रेड स्लाइसेस ली हुई हैं। ये अमूल बटर है, मेल्ट किया हुआ है, और ये देखिए मेयोनीज ली हुई है। ये पनीर है और ये मैंने घर में ही बना लिया, आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये शेजवान चटनी है, ये देखिए इसमें कैप्सिकम और बेल पेपर्स हैं छोटी छोटी कटी हुई है, सॉल्ट है और दो चीज़ स्लाइसेस हैं। मैंने देखिए दो सैंडविच के हिसाब से लिए तो दो चीज़ स्लाइसेस लिए, आपको जितने बनाने हैं आप उतने बना सकते हैं, तो उसी हिसाब से लिया। और ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट टाइम पे आप बना सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, उनको टिफ़िन में दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक में आप बना सकते हैं। आप ये बहुत ही इजी टू मेक रेसिपी है। आइए मैं इसको बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसकी कैसे इसकी बनाना है फिलिंग सैंडविच की। ये देखिए पनीर है, आपको कितनी फिलिंग, कई लोग कम फिलिंग पसंद करते हैं, कई लोग ज़्यादा करते हैं। अब मैं केवल दो सैंडविचेस के हिसाब से ले रही हूँ तो 50 ग्राम अराउंड पनीर बहुत हो जाएगा इसके लिए। इसमें देखिए ये है, एक मुझे डालना है 1 टीस्पून अराउंड ये शेजवान चटनी डाल दी है मेरे को। और ये देखिए ये मेयोनीज ली हुई है मैंने, ये भी इतनी ही अराउंड मेयोनीज डालेंगे। और इसमें ये देखिए आप ये बेल पेपर्स, आप जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, जितना आपको लग रहा है, कई लोग बहुत पसंद करते हैं वेजिटेबल, देखिए। और इसमें इसके बाद डलेगा बस ये देखिए सॉल्ट, और कुछ नहीं डालना है क्योंकि पेपर वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी शेजवान चटनी डली हुई है, उसका फ्लेवर है इसमें और मेयोनीज है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारा ये फटाफट इंस्टेंट बनने वाले सैंडविचेस हैं, 2 मिनट में ये आपका रेडी हो गया है हमारा। अब हम इसको हम आपको मैं बता देती हूँ कैसे ब्रेड पे लगाना है। ये देखिए चलिए देखिए मैं आप बता देती हूँ इसको कैसे लगाना है। इसमें हम जैसे एक ब्रेड स्लाइस लिया, इसमें हम एक साइड लगाएंगे ये शेजवान चटनी, हल्की हल्की सी शेजवान चटनी लगा देंगे। फिर ये जो हमने पनीर का बना के रखा था, फिलिंग आपको कितनी चाहिए ठीक है, इसको यहाँ इसके ऊपर एक ये जो ब्रेड स्लाइस था ये रख देंगे। फिर हम ये दूसरा स्लाइस लेंगे और इस ये दूसरा स्लाइस लेंगे, इस पे ये लगाएंगे इस साइड मेयोनीज, और इसको हम इस पे रख देंगे। इसी तरीके से मैं दोनों सैंडविचेस बना लेती हूँ। देखिए अब हमारे दोनों सैंडविचेस लग गए, अब हमें इसको सेकना है। हम इसमें अमूल बटर लगा लेंगे एक साइड पे और इसको, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल से करना चाहते हैं या नॉर्मल आप किसी भी कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बटर ही लगाना है इसके। इसको ये हमारे सैंडविचेस सिक गए हैं एक साइड से, तो हम दूसरे साइड से भी सेक रहे हैं। ये देखिए लगभग सिक गए, ये देखिए हमारे सैंडविचेस तैयार हो गए। इनको अगर आपके पास, आपने कुछ नहीं करना, 5 से 7 मिनट में आपके ये सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हमारे परफेक्ट है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए मैं इनको सर्व कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे शेजवान चीज सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। आप इनको देखिए, बनाइए और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगे। ये बहुत ही यम्मी सैंडविचेस बनते हैं, इनको बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। आप इनको बताइए और बताइए, और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स।